हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो आज हम बनाएंगे लुनिया का साग। ये ना बारिश के मौसम में और ऐसे गर्मियों में जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पे ये मिलता है, तो गांव सब में ये ज़्यादा मिलता है। तो चलिए आज इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से दो तीन पानी इसको हम धुल लिए हैं। अब हम इसको काट लेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर देखिए, लुनिया हमने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ेगा। अब हम इसको पका लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देंगे नमक ताकि ये अच्छे से गल के पक जाए। अब इसको हम ढककर पका लेंगे जब तक कि एकदम ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी ये थोड़ा कम पका है, इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से अब पक चुका है। तो इसको हम चम्मच के जो निचला हिस्सा होता है, इससे हम इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम बारीक हो जाए। तो लुनिया का साग आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये खाने में हेल्दी भी होता है और इसमें पौष्टिक भी बहुत सारे मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी, वरना ये फिर गठान पड़ जाएगी इसमें, तो फिर ये छूटेगा नहीं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। और आटा लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, और जैसे ही ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें लगाएंगे लहसुन और मिर्च का तड़का। तो साग हमारा बनके तैयार है। अब चलते हैं, इसमें लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए यहाँ पर लेंगे पैन, तड़का पैन, और उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। और तेल यहाँ पर जब गर्म हो जाए तो हम लहसुन यहाँ पर बारीक कट करके रखे हैं, ये हम इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम पक जाने देंगे। और जैसे ही यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिर्ची और लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसका तड़का लगा देंगे। अब जो कढ़ाई में हम साग बनाए हैं उसी में ये तड़का डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक बार ऐसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा और इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक बार ऐसे आप भी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।